नमस्कार। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज हम समझेंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, वो कैसे डिडक्ट होता है, क्या अफेक्ट करता है पोर्टफोलियो में और एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि एक म्यूचुअल फंड बहुत से इन्वेस्टर्स के जमा पैसे से मिलकर बना होता है। आपकी जमा राशि को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। यह फंड मैनेजर फंड हाउस AMC थ्रू रिक्रूट होता है। इस फंड मैनेजर और फंड हाउस के एक्सपेंस के लिए जो फी आपसे लिया जाता है वही एक्सपेंस रेशियो होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि म्यूचुअल फंड हाउस अपनी सर्विसेज के बदले इन्वेस्टर्स के कुछ फी चार्ज कर रहा है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो में बहुत से फी शामिल होते हैं जो इस टाइप से हैं: फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, रजिस्ट्रेशन फी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लीगल एंड ऑडिट एक्सपेंस। चलिए एक्सपेंसेस रेशियो को थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझने का ट्राई करते हैं। एक्सपेंस रेशियो को टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो आप एक साल में अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को मैनेज करने के लिए पे करते हैं। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 इन्वेस्ट किए हैं और इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, इस केस में आप अपने पैसों को मैनेज करने के लिए साल भर का ₹150 का एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो। वैसे ही अगर आप सीप करते हैं तो आपके करंट पोर्टफोलियो पर एक्सपेंस रेशियो ड्यू होता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर फंड हाउस आपसे एक्सपेंस रेशियो किस प्रकार वसूल करती है। आपने देखा होगा कि अगर आपने 1,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो AMC थ्रू आपके पूरे 1,000 की यूनिट अलॉट कर दी जाती है। म्यूचुअल फंड हाउस आपसे आपके रिटर्न में से एक्सपेंस रेशियो वसूल करता है। किसी भी म्यूचुअल फंड की NAV रोज ट्रेडिंग डे के ओवर होने पर निकाली जाती है। ये NAV म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के दिन भर के परफॉर्मेंस के ऊपर से निकाली जाती है। फाइनल NAV कैलकुलेशन से पहले ही एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाता है। इस प्रकार एक्सपेंस रेशियो आपके सीधा आपके रिटर्न में से काट लिया जाता है। एक्सपेंस रेशियो 1% के रूप में इंडिकेट किया जाता है जो कि एनुअल होता है, पर ये एक दिन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ये पर डे काटा जाता है। अगर आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो आपके एक दिन का एक्सपेंस रेशियो 1% / 365 डेज। अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 15% का ईयरली रिटर्न दे रहा है और आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है, इस कंडीशन में आपके फंड का नेट रिटर्न 13% ही होगा। पॉजिटिव रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न का एक्सपेंस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंस रेशियो फंड हाउस द आपके फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न भी दे रहा है तब भी आपसे फंड हाउस थ्रू एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड 10% का नेगेटिव ईयरली रिटर्न दे रहा है और आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है, इस कंडीशन में आपके फंड का नेट रिटर्न नेगेटिव में 12% होगा। किसी भी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में कोई अंतर नहीं रहता सिवाय एक्सपेंस रेशियो के। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो हमेशा डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा होता है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट की कमीशन के कारण एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। यह कहना सही होगा कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो हो सकता है कि वह फंड एग्रेसिवली मैनेज फंड हो जिसमें रिटर्न देने की ज़्यादा क्षमता हो। इसलिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए जिसमें रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद।